रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आशिम अजीम एक नई वीडियो के साथ बीटिंग इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम लोग 125 दस के दो और प्रीसिंक्स की बात करेंगे। वैसे तो बैरिया के अंदर कोई 15 से ज़्यादा के करीब जो 125 दस के प्रीसिंक्स हैं, लेकिन 4-5 प्रीसिंक्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल गेट से नियरेस्ट हैं और इस टाइम पर वहाँ पर ये पोजिशन है कि आप वहाँ पर प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो उसी का हम लोग सिलसिले को जारी रखते हुए आज जिन दो प्रीसिंक्स की हम लोग बात करेंगे वो है प्रीसिंक्ट 14 और प्रीसिंक्ट 15। इस प्रीसिंक्ट के बारे में हम दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, इस पर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है, रिहाइश के अतबार से ये प्रीसिंक्ट मौजूद है या नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये प्रीसिंक्ट को कैसा देखते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर करें। तो खैर हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों प्रीसिंक्ट की लोकेशन की। मेन गेट से जो है ये 10 से 11 किलोमीटर के फासले पर है दोनों प्रीसिंक्ट और बिल्कुल मेन जिला से मुतसर है। अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी हमने आप लोगों को ये बताया था कि बैरिया के अंदर ये ट्रेंड है, जो प्रीसिंक्ट बैरिया के बिल्कुल साथ होते हैं या वो प्रीसिंक्ट जिसके अंदर बैरिया के कंस्ट्रक्टेड विलाज या अपार्टमेंट्स के साथ होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा होती है और कंस्ट्रक्शन के अखबार से देखा जाता है कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेज़ी से होती है। तो प्रीसिंक्ट 14 और 15 भी वो दो ऐसे प्रीसिंक्ट्स हैं जो एक तो बिल्कुल जिना के करीब हैं, तो आपको एक वो एडवांटेज मिल जाता है मार्केट के हिसाब से कि आपको इसके अंदर जो है एक इसकी अच्छी प्राइस मिलती है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। दूसरी, ये बिल्कुल अली ब्लॉक के मुतसिल हैं। अली ब्लॉक जितना ज़्यादातर आप लोगों को पता होगा कि अली ब्लॉक के अंदर जो है अच्छी खासी आबादी हो गई है, मोर देन 60% वहाँ पर जो है घर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, फैमिली आगे शिफ्ट हो गई हैं, पेट्रोल पम्प हैं और नॉर्मल ग्रॉसरीज वगैरह हैं, पार्क हैं, मस्जिद अंदर कंस्ट्रक्शन है, चेस्टी पार्क है, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी अली ब्लॉक के अंदर। तो बिल्कुल एक मेन जिना के जो है एक रोड के फर्क से सामने ये प्रीसिंक्ट 14 और 15 है, जहाँ पे भी इस वक्त अगर आप जाके देखेंगे ऑन ग्राउंड तो अच्छी खासी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, लोग यहाँ पर जो है अपने प्राइवेटली घर भी बना रहे हैं। इसके अलावा प्लॉट के एतबार से अगर मैं इसकी बात करूँ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, क्योंकि जितना सबको पता है आपको आजकल बड़ा बहरिए की मार्केट जो है थोड़ी सी डाउन है, तो ये प्लॉट जो है इसको पहले 70 से 75 लाख रुपए के गए थे, कोई कॉर्नर या कैटेगरी वगैरह के प्लॉट थे वो 85 से 90 लाख के भी किए थे, लेकिन आजकल जो है क्योंकि बहरिया की मार्केट डाउन है तो यही प्लॉट आपको जो है इस पर 60 से 65 लाख के बजट में अलॉटमेंट के साथ मिल जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गई प्लॉट्स के रेट की बात। इसके अलावा यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्टेड विलाज भी हैं जो कि अभी रेडी फॉर पोजेशन है। इसके अलावा बहुत से भी यहाँ पे प्राइवेट बिल्डर जो हैं वो बुकिंग के अंदर भी यहाँ पे विलाज बना के दे रहे हैं। अगर मैं उन विलाज के रेट की बात करूँ तो वो आपको इस पर यहाँ पे 40 से 1.5 करोड़ रुपए तक पूरे विला कम्प्लीशन के साथ मिल जाते हैं, जो कि ग्राउंड प्लस वन के विला होते हैं। 125 का विला का एक अच्छा साइज होता है यहाँ पे। तो इन दोनों प्रीसिंक्ट में आपको ये एडवांटेज है कि अगर आप इसको प्लॉट के एतबार से एज अ इन्वेस्टमेंट लेते हैं कि हम लोग एक प्लॉट ले लें 2-3 साल बाद 6 महीने बाद इसमें कोई अच्छा रिटर्न मिले तो बेचते हैं, तो उसमें भी इसमें स्कोप है। इसके अलावा अगर आप कोई प्लॉट रखते हैं आपका फ्यूचर के अंदर जो है यहाँ पे प्लॉट को जो है इन्वेस्टमेंट वाइज देख रहे हैं तो भी इस पर बहुत अच्छी और सेफ इन्वेस्टमेंट है ये प्रीसिंक्ट 14 और 15। इसके अलावा अगर आप जो है यहाँ पर घर बना के बेचना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह आप सबको पता है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आजकल जो है ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इस टाइम पे अगर आप कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको 1-2 साल बेचते हैं तो बैरिया के अंदर भी थोड़ा ट्रेंड की चेंज हो रहा है कि अब जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा उसकी डिमांड आ रही है एज़ कम्पेयर टू प्लॉट्स, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो जो लोग दोनों एतबार से देख रहे हैं अपनी रिहाइश के लिहाज से भी और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी, तो प्रीसिंक्ट 14 और 15 उनके लिए बेहतरीन प्रीसिंक्ट। अच्छा, जाते जाते मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अमूमन हम लोग जो है एक वीडियो के अंदर एक ही प्रीसिंक्ट को कवर करते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हमने प्रीसिंक्ट 14 और 15 दोनों को कवर किया एक साथ। उसकी वजह यह है कि प्रीसिंक्ट 14 और 15 बिल्कुल दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है, सिर्फ एक रोड का फर्क है और उसके साथ ही जो है आपका प्रीसिंक्ट 14 और 15 आ जाता है। प्रीसिंक्ट 15 की मैं थोड़ी सी बात कर लूँगा, थोड़ी सी हाइटेड लोकेशन है, कंस्ट्रक्शन के एतबार से वो लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। प्रीसिंक्ट 14 भी जो है नियर जिना है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा लेवल प्लॉट्स हैं, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे देखे जाते हैं कि जहाँ पे जिसको हम लोग खड्डे वाले प्लॉट कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उन प्लॉट्स के अंदर डेप्थ है, कंस्ट्रक्शन पे जब आप जाते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको थोड़ी सी ज़्यादा पड़ जाती है। इसलिए अगर दोनों के रेट्स कंपेयर करूँ मैं प्रीसिंक्ट 15 के अगर मैं रेट की बात करूँ प्लॉट्स की, तो वहाँ 60 से 65 लाख रुपए है। ये चीज़ अगर मैं प्रीसिंक्ट 14 में आता हूँ
तो यहाँ पे आपको 2 से 3 लाख रुपए का फर्क मिलता है कम्पेयर टू प्रिजन 15। इसी तरीके से अगर मैं दोनों के बिलास के रेट की बात कर लूँ, प्रिजन 15 के अंदर आपको अगर 40 से 50 तक का जो है विला मिलता है कंस्ट्रक्टेड, तो अपना प्रिजन 14 के अंदर वही विला आपको जो है 5 से 8 लाख के फर्क से कम मिल जाएगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, लोकेशन दोनों की सेम है, लेकिन बस थोड़ा सा एक ये डिफरेंस था, तो मैंने कहा ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए ताकि जब आप लोग खरीद रहे हो तो हर चीज़ की आपको नॉलेज हो कि कौन सा प्रिजन किस एडवांट से ज़्यादा, इसके अंदर हमें क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, रेट्स को हम लोग देखें, बजट देखें या अच्छी चीज़ देखें, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हमारी कोशिश होती है कि हम जिस भी टॉपिक या प्रिजन के बारे में बात करें उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकें। फिर भी कोई क्वेरीज या कोई सवाल अक्सर लोगों के जहन में होते हैं तो आप बिल्कुल उसके लिए हमारे दिए गए नंबर से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी बैरिया के अंदर किसी और प्रिजन के अंदर या किसी और लोकेशन के अंदर प्रॉपर्टी है या आप किसी और प्रिजन के अंदर जो है प्रॉपर्टी खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं तो उसके लिए भी आप हमारे दिए गए नंबर से रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे हाजिम अजीब को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।